किटी 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 इधर आओ। उप्स, मुझे लगता है मेरी पसंदीदा जीन्स ने मुझे नीचा दिखा दिया। टेबल पर बैठना सबसे अच्छा समय है अपने पर फनी वीडियोस देखने का। ओह, ये बहुत तकलीफ देह है। चलो मैं जादू के इस्तेमाल से स्टैंड बनाती हूँ। ये काफी बेहतर है। इसके जैसा बनाने के लिए पुरानी दाग वाली जीन्स और एक कार्डबोर्ड स्टेंसिल ली। नोट करें, ट्रायंगल साइड की लंबाई है 6 और 1/3 इंच और एक रेक्टेंगल बनेगा 5.5 x 6 और 1/3 इंच का। स्टेंसिल को साफ साइड पर लगाएं और चौक के टुकड़े के साथ इस पर लाइन खींचें। आउटलाइन के साथ साथ काटें। मोड़ों से प्रेस करें। मोड़ कर दो ट्रायंगल कोनों को आपस में से लें। तीसरे ट्रायंगल को पिन लगाएं और नीचे से सिलें और इसके साथ साथ एक और सिलाई लगाएं। इसे स्टफिंग से भरें। सीवन को बंद कर दें। हेडफोन्स के लिए एक जेब चिपका दें। चमकदार सीक्वेंस कपड़े का एक टुकड़ा इसके साथ जोड़ें। आपके फोन के लिए बीनबैग चेयर तैयार है। ये स्टैंड तो वीडियो से भी ज्यादा अच्छा है। और सीक्वेंस की पट्टी सिर्फ आपके फोन को ही नहीं संभालेगा बल्कि आपको शांत भी करेगा। और अब काट लें जीन की जेब का एक जोड़ा, एक हिस्सा आगे वाला और एक पीछे वाला। उन्हें उल्टा करें। इसे दो तरफ से सिलें। कमर पेटी को ना छोड़ें, इसे सीधा कर लें। पट्टी को सिलाई के साथ काटें और मेटल के 4 बाइनर्स लें। हर कोने पर हुक जोड़ें। इन्हें बेल्ट की लुपियों के साथ जोड़ें। ज्वेलरी सजावट के साथ जेबों को उभारें। ये बहुत खूबसूरत है। जो भी आपको जरूरत है उसे पर्स में डालें और अपने फोन को जेब में डालें। बहुत सारी प्रशंसा के लिए तैयार हो जाएं। अगले आइडिया के लिए बेल्ट की कुछ लुपियों को उतारें। जितनी ज्यादा चमकदार होंगी उतना अच्छा रहेगा। लकड़ी का एक फ्रेम ली और इन लुपियों को इसके ऊपर चिपकाएं। अलग रंगों की पट्टियां लगाएं जैसे कि ये फ्रेम आपको दिखने में बोरिंग ना लगे। जब गोंद अच्छे से सूख जाए तो इस फ्रेम के अंदर फोटो लगा दें। आप कौन सी एक चुनेंगे? हाँ बिल्कुल, जिसमें आपने जीन्स पहनी होगी। देखा, स्टाइलिश फोटो फ्रेम बनाना कितना आसान है। आपको सिर्फ अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना है। इस आइडिया के लिए आपको चाहिए जूतों का डिब्बा और पुरानी जीन्स। डिब्बे को डेनिम के कपड़े से ढकें, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। साइड पर एक बड़ा सा हैंडल लगाएं। आपके पास कभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजर नहीं होते। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो जल्दी ही आपके पास चीजें होंगी उन्हें भरने के लिए। क्या आप इसे किसी चीज से मिला रहे हैं तो हमें कॉमेंट्स में बताएं। और अब कुछ काली और नीली जीन्स लें। पेपर से स्टेंसिल काटें। कपड़े पर इनका खाका बनाएं। इन्हें काटें, सभी प्रकार के 2 टुकड़े बनाएं। उन्हें 2-2 करके एक साथ रखें और इन्हें इकट्ठा आउटलाइन के साथ साथ सिलें। अब 2 मल्टीकलर टुकड़ों को इकट्ठा सिलें। इन्हें सीधा कर लें। इसे स्टफिंग से भरें। इसके साथ पूंछ और पंख जोड़ें। सभी छेदों को सील कर दें ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। आंखें चिपकाएं। सुनो, क्या तुम्हें कोई आइकॉनिक शोर सुनाई दे रहा है? लगता है व्हेल कहीं आसपास है। हो, ये रही, ठीक सोफे पर ही है। एक पालतू व्हेल कपड़े से बनी हुई बहुत प्यारी है। और आप फैसला करें कैसे इस्तेमाल करना है, खिलौने की तरह या तकिए की तरह। और इस आइडिया के लिए आपको चाहिए जीन की कमर पेटी। इसे ध्यान से काटें। इसे अपनी कलाई पर रखें और उस माप से इसे सिल लें। इस एक्सेसरी को मोटी और पतली चेन से सजाएं। आप इस पर जितना चाहे मोती लगा सकती हैं। चेन को पेरीमीटर पर जोड़ें और दूसरा वेस्ट बैंड ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि आपके दोस्त जरूर आपको ऐसा ही ब्रेसलेट और बनाने के लिए कहेंगे।
ओ नहीं, ये तो मुसीबत है। ये जीन्स तो मुझे बहुत अच्छे से पूरी आती थी, इन्हें सिलने का कोई तरीका नहीं, ये बहुत है। टांगों को काटें। आपको सिर्फ ऊपर का हिस्सा चाहिए। ऊपर की ओर मोड़ी। फ्लानल कपड़े का टुकड़ा इसके अंदर की ओर चिपकाएं। खाली कोनों को मोड़ी। इसे स्टफिंग से भरें। मोटे कार्डबोर्ड का एक गोल टुकड़ा इसमें ऊपर की ओर डालें। कपड़े के कोनों को इसके साथ जोड़ें। क्या अच्छा बिस्तर है। ये बहुत नरम और आरामदायक है। जल्दी करो, इसमें मेरी फोटो लो। क्या आपने अपनी निकल काटी है? टांग वाले हिस्से को बाहर न फेंके, पेपर स्टेंसिल को कपड़े पर रखें। दिए गए डिटेल्स के साथ जाएं, इन्हें काटें। इस प्रकार का आकार बनाएं। इसके साथ पंखों को सिलें, इसे पॉलिस्टर स्टफिंग के साथ भरें। अब इसके साथ पूंछ जोड़ें, पंखों को किनारों से बदलें। मछली के साथ एक रस्सी तोड़ें। क्या डेनिम की मछली कपड़ों की शाख से डर रही है? यहाँ किटी किटी किटी, मेरी रुईदार दोस्त के लिए सरप्राइज। क्या तुम्हें फिशी चाहिए? कोशिश करो और पकड़ो। प्रेगनेंसी एक अद्भुत समय है। आपकी पैंट अब आपको पूरी नहीं आती, आपको पूरी नींद भी नहीं मिलती है। घबराओ मत, ये आपके लिए अच्छा नहीं। बस हमारा जीन्स हैक देखें, प्रेग्नेंट औरतों के लिए। अपनी पुरानी जीन्स के जेबों के साथ कमर पेटी काटें। टांगों को सिलें और इसे स्टफिंग के साथ भरें। कमर वाली छेद से सिलें। जीन्स के पैच के साथ सीम को सजाएं। क्या आपको अनुमान है ये क्या है? ये प्रेग्नेंट पेट के लिए असली इलाज है। नरम और आरामदायक तकिया। आराम से सोना और मीठी नींद लेना सचमुच एक वरदान है। आप क्या बना सकते हैं? तीन जोड़ी जीन्स और हनीकॉम स्टेंसिल से। हम आपको दिखाने वाले हैं। ड्राइंग को कपड़े पर उतारें, इसे काटें। अब हेक्सागन काटें। अब इन्हें फेल्ट की शीट पर साथ साथ लगाएं। इन्हें आपस में सिलें। जरा इन स्टाइलिश डेनिम नैपकिंस को देखो। ये एक महान कोस्टर भी बन सकते हैं। हमें धन्यवाद ना दें, अपने लिए खुद बना लें। दूसरे आइडिया के लिए एक फूलदान और पुरानी जीन्स लें। पैंट की डांग को फूलदान के ऊपर डालें। जीन्स को फूलदान के साइज के हिसाब से काटें। कपड़े के नीचे वाले हिस्से को काटें ताकि नीचे वाले हिस्से को लपेटा जा सके। कपड़े को चिपकाएं। डेनिम का फूलदान स्टाइलिश और फैशनेबल है और बहुत बढ़िया है और बहुत प्यारा है। अगले आइडिया के लिए स्किनी जीन्स या सामान्य पैटर्न बहुत बढ़िया रहेगा। अपनी बाजू को पैंट की टांग में डालें, अपने हाथ के बराबर साइज में इसे काटें, उन्हें ट्रिम करके सिल दें, उन्हें ट्राई करें और अपने अंगूठे के हिसाब से निशान लगाएं। सिलाई में एक कट का निशान लगाएं, कोनों को अच्छे से हिला लें जिससे एक साफ किनारी बन जाए। इन्हें दस्तानों की तरह पहने। डेनिम के दस्ताने बहुत बढ़िया है स्पोर्टी और कैजुअल लुक के लिए। उस जीन्स का एक जोड़ा लेकर आई है। बढ़िया, हम दोनों ले लेंगे। फालतू का काट दें। आपको जरूरत है पिछली जेबों वाले हिस्से की। हॉट ग्लू लगाएं। टुकड़ों को डेनिम के पट्टी के साथ जोड़ें। इस टुकड़े को जेबों के साथ अपने सोफे की आर्मरेस्ट पर टांगें। अपने रूममेट्स को कहो कि हमेशा रिमोट, फोन और जो चीजें हमेशा खो जाती हैं, उन्हें इन जेबों में रखें। किटी, तुम भी इसे याद रखना। क्या आपको हमारे जीन्स के लिए आइडियाज पसंद आए? लाइक बटन को दबाएं और कमेंट्स करके बताएं कि आज आप कौन सा आइडिया आजमाने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन दबाएं।